सलमान खान को सांप काटने की खबर सुनकर परेशान हुए धर्मेंद्र। टेंशन में उन्होंने सलमान से की फोन पर बात। धर्मेंद्र ने अपने एक फैन को बताया पूरा किस्सा। वेल, सुपरस्टार सलमान खान के बर्थडे के ठीक एक दिन पहले सबके चेहरों का रंग फीका पड़ गया जब खबर आई कि सलमान को सांप काट लिया है और उन्हें फौरन इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। देखते ही देखते ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और हर कोई चिंता में डूब गया। इनमें से एक शख्स थे लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र। सलमान खान के बेहद करीबी धर्मेंद्र ने बताया कि वो सलमान खान को सांप काटने की खबर सुनकर परेशान हो गए थे। जब तक सलमान से बात नहीं हुई वो बेचैन थे। धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर पर एक फैन के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए बताया कि उस घटना के बाद उनकी क्या हालत हो गई थी। एक यूजर के रिप्लाई में धर्मेंद्र ने लिखा, मालिक, सलमान मेरे बेटे जैसा है, वो भी मुझे प्यार और सम्मान देते हैं। मैं हमेशा उनके बर्थडे पर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। सांप काटने की घटना की खबर सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था और उन्हें मैंने कॉल किया, वो फिट और अच्छे हैं। इसके बाद धर्मेंद्र ने सलमान खान के साथ की अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर करके उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी। वेल, सलमान के फैंस में बहुत खुशी है कि सलमान एकदम फिट है। सलमान ने भी इस इंसिडेंट पर अपने बर्थडे के दिन मीडिया से खुलकर बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। के बर्थडे पे हर साल आते हैं, सुबह सुबह जो खबर आई वो फैंस के लिए भी थोड़ा दर्दनाक थी एंड इसीलिए सारे फैंस भी वहाँ आ गए थे क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए सभी को पता चल गई थी। हम चाहते हैं कि आप ही बताएं कि मतलब कैसे कुछ हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, वो एक कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं फार्म हाउस में, तो हमने फार्म हाउस को कोई एकदम बड़ा नहीं बनाया, जैसे था वैसे ही है। तो कमरे के अंदर सांप घुस गया तो बच्चे डर गए थे, तो मैं चला गया तो बोला एक लकड़ी दे दो मुझे, तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी आई, तो मैंने बोला लंबी लकड़ी दो, तो फिर एक लंबी लकड़ी आई तो मैंने सांप को उठाया बड़े प्यार से और उसको बाहर लेके आया और सांप भी बड़ा प्यार से लिपट गया उसके ऊपर। और फिर वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया, तो मैंने सांप को यूँ ले लिया दूसरे हाथ में और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंदारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंदारी कंदारी कंदारी, तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंदारी है, उसको काटना ज़रूरी है, तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर सावला 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 के काटा 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 काटा, इतना ज़ोर से एक शोर हुआ तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है, तब तो उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है, तो फिर उसने तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है, वो जो कंदारी जो क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने उस सांप को प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। अब आपकी तबीयत तो ठीक है, कैसी लग रही है आपको? हाँ तो बस वही है, ठीक है। तो हर एक सांप का एंटीवेनम ले चुका हूँ मैं, क्रेट का वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं, तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए प्यार से एहतियात से एकदम बच्चे की तरह। तो बताया गया कि ये चलो इसके ये सब ले लो, ये सब जो एक कंकॉक्शन होता है उनके पास के आई थिंक क्रेट का वाइपर का कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो वो आपको ठोकते हैं वो, तो वो ले लिया एंटीवेनम और फिर 6 घंटे मुझे वहाँ पर रखा उन्होंने और ठीक ही था। वापस आया तो वो सांप उधर ही था, तो मैं सांप को पकड़ लिया वापस से और उसको बहुत प्यार से छोड़ दिया। मेरी बहन काफ़ी डरी हुई थी, तो मैंने उसको वो सांप से दोस्ती हो गई, तो उसे एक फ़ोटोग्राफ लेके मैंने
उसको छोड़ दिया। वो बेचारा भी एकदम घबरा के उसने काटा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बड़े एकदम शर्मा शर्मा के मैंने बेमुरबत है, तो ठूस तीन बार काट लिया। जहाँ जहाँ आवाज़ आई उसको ऐसा लगा वाइब्रेशन, जैसे काटना जरूरी था, उसने काट लिया।